ध्यान दीजिए, ये कक्षा 10 गणित निर्देशांक ज्यामिति, इससे पहले आप पार्ट 1 पढ़े होंगे और निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर से आप पार्ट 2 आज पढ़ेंगे। उसके अंतर्गत आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए बताया जाएगा, जैसा कि पार्ट 1 में इससे संबंधित सूत्र लिखाया भी गया है। और आज आपको उसी सूत्र अर्थात दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाले सूत्र पर ही प्रश्न दिया गया है। प्रश्न आपका है, बिंदुओं छोटे कोष्टक में ए साइन थीटा कामा ए कॉस थीटा छोटा कोष्टक मान तथा छोटे कोष्टक में ए कॉस थीटा कामा माइनस ए साइन थीटा छोटा कोष्टक मान के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न को हम वीडियो अर्थात पार्ट 1 में, इसका वीडियो बना हुआ है उससे भी आप देखेंगे, उसमें सूत्र लिखा गया और यहाँ भी सूत्र लिख दिए हैं। अब आपको प्रश्न से ये हमें देखना है कि x1 y1 x2 और y2 का मान क्या होता है। तो आप देखिए, ये प्रश्न से x1 बराबर a sin थीटा, y1 बराबर a cos थीटा, x2 बराबर a cos थीटा और y2 बराबर माइनस ए साइन थीटा। अर्थात पहले कोष्टक में x1 और y1 का मान होता है, दूसरे कोष्टक में x2 और y2 का मान होता है। और यह भी मैं बता दूं कि यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी लिखें। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस प्रश्न से जैसा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र है, उसके आधार पर हम x1 और y1 के मान लिख रहे हैं। x1 का मान आपका होगा ए साइन थीटा, y1 का मान होगा ए कॉस थीटा, x2 का मान हो गया ए कॉस थीटा और y2 का मान हो गया माइनस ए साइन थीटा। सूत्र अनुसार बीच की दूरी अर्थात दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र है डी बराबर डी में x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग बराबर कर्णी में x1 का मान आपका ये साइन थीटा, x2 का मान ए कॉस थीटा माइनस ए कॉस थीटा का होल वर्ग प्लस छोटे कोष्टक में y1 का मान आपका है ए कॉस थीटा और y2 का मान है माइनस ए साइन थीटा। तो इस माइनस का इस माइनस में गुणा करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, इसलिए ये प्लस ए साइन थीटा हुआ है। अर्थात ए कॉस थीटा प्लस ए साइन थीटा का होल वर्ग बराबर करणी में इसका होल वर्ग करेंगे, ए ऋण बी के होल वर्ग के आधार पर आपका ये सूत्र होता है ए ऋण बी का होल वर्ग बराबर ए वर्ग प्लस बी वर्ग माइनस 2ab। इसी तरह से a धन b का होल वर्ग बराबर होता है a वर्ग धन b वर्ग प्लस 2ab। अब आप ध्यान दें, a ऋण b के होल वर्ग पर इसको तोड़ा गया है तो a वर्ग साइन थीटा का वर्ग करने साइन स्क्वायर थीटा प्लस a वर्ग कॉस स्क्वायर थीटा माइनस दोनों के गुणनफल का दूना, ए और ए का गुणा कर देंगे ए स्क्वायर होगा, दूना करेंगे 2a² साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस अब इसका होल वर्ग करेंगे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस दोनों के गुणनफल का दूना 2a² साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये रूट में ही है पूरा, ए प्लस बी के होल वर्ग पर इसको तोड़ा गया है और a माइनस बी के होल वर्ग के सूत्र के आधार पर इसे तोड़ा गया है बराबर कर्णी में आपका a ऋण b के होल वर्ग पर इसे तोड़ा गया अर्थात a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2a² साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस दोनों के गुणनफल का दूना 2a² साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 2a² sin थीटा इंटू कॉस थीटा से पहले माइनस है और यहाँ 2a² sin थीटा इंटू कॉस थीटा से पहले प्लस है, अर्थात यह समान चिन्ह कट जाएंगे। अब बचा क्या, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों का चिन्ह प्लस प्लस है इसलिए जोड़ दिया जाएगा 2a² sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस
ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा मिलकर के हो जाएगा टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर करणी में टू ए स्क्वायर छोटे कोष्टक में यानी कि टू ए स्क्वायर यहाँ पर कॉमन ले लिया गया है तो टू ए स्क्वायर करणी में टू ए स्क्वायर कॉमन ले लिया गया है तो बचेगा टू ए स्क्वायर से भाग देंगे टू ए स्क्वायर कट जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा बचेगा प्लस टू ए स्क्वायर से टू ए स्क्वायर कट जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा आपका बचेगा बराबर करणी में टू ए स्क्वायर और ये आपका सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है इसलिए इसके स्थान पर वन लिखा गया इन दोनों का गुणा करेंगे बराबर करणी में टू ए स्क्वायर ए स्क्वायर का जोड़ा पेयर लग रहा है इसलिए इसका वर्गमूल आपका ए होगा इसका पेयर नहीं है जोड़ा नहीं है इसलिए करणी में ही लिखेंगे अर्थात एक करणी दो इकाई ये आपका उत्तर हो गया अर्थात दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछा गया प्रश्न कितना होगा एक करणी दो इकाई। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और शेयर भी कीजिए कमेंट भी लिखिए। और मैं ये भी बता दूं कि हमारे यहाँ कक्षा 9 10 11 12 गणित विज्ञान अंग्रेजी के अतिरिक्त बैंक एसएससी रेलवे पुलिस एयरफोर्स नेवी टेट सी टेट इत्यादि की भी कक्षाएं चलाई जाती हैं। यदि इसके बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त करना हो तो आप हमारे मोबाइल नंबर 94 15 88 75 29 से प्राप्त कर सकते हैं और इस चैनल का नाम है डॉक्टर मुद्रिका सिंह यादव। थैंक यू।